हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉस की एप्लीकेशन पढ़ी थी। उसमें से पहली एप्लीकेशन पढ़ ली है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की। जैसे बीच में टॉपिक था ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। क्या था? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला है, इसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको बोल लो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं है, अगर मेरे पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर को अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूँ, ठीक है, तो इसके पर्टिकुलर लेंथ पर जितने चार्ज लाए करें उसकी डेंसिटी को क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपल टर्म, चार्ज पर यूनिट लेंथ, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ ऑफ लेंथ व्हाट? कैपिटल एल। द डेंसिटी ऑफ चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसका सिंबल क्या रहेगा? लैम्डा। ये किसके लिए? लीनियर के लिए, वन डायमेंशनल है। ठीक है, अब ना इसके बाद चलते हैं टू डायमेंशनली। तो टू डायमेंशनली में क्या आएगा? सरफेस एरिया, एरिया आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो मेरे पास है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी में, मेरे पास सपोज मैंने ले लिया है, यहाँ पे कोई सरफेस ले ली, ठीक है, उसके पास है ना उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है? कैपिटल ए है। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज लाए कर रहे हैं, तो इसकी चार्ज डेंसिटी को डिपेंड करेंगे किससे? सरफेस चार्ज डेंसिटी से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिपेंडेड बाय सिग्मा, दैट इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, जितना भी सरफेस एरिया उसके ऊपर कवर रहेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल से जो जरूरत है बोर्ड के हिसाब से वही करना है, इसमें ज़्यादा इसमें डीप में जाना नहीं है। अब देखो उसके बाद आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? 2D के लिए। ये किसके लिए? 1D के लिए। ये हो गया 3D के लिए आएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या डेंसिटी, मैंने ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है, दोनों एक ही टर्म है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे क्या लेंगे, सपोज मेरे पास नहीं क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे चार्ज है, इसका वॉल्यूम कितना है? वी है। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा यहाँ पे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा है, समझे? ठीक है, अब इनकी जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एप्लीकेशन है बस लो की, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ना क्या है, यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या लिया, एक वायर ले लिया, ठीक है, ये वायर क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज, चार्ज केवल पॉजिटिव से क्यों गया था, नेगेटिव से क्यों नहीं गया? दिमाग में आया हुआ, देखिए कितना सिंपल सा आंसर है। मैंने तो हमेशा बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड्स होना चाहिए, इनवर्ड्स नहीं होना चाहिए। तो आउटवर्ड्स हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपांड करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सब जगह पर। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एरिया होगा, सपोज मेरे पास है ना ये वायर है, ठीक है, ये वायर रखा हुआ है, तो इस वायर के
अराउंड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो कैसा सेप आ जाएगा यहाँ पे, अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसके अराउंड पता क्या होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे पूरा एरिया होता है, वो एरिया जो इमेजिन इमेजिन करेंगे, सरफेस कंसिडर करेंगे, तो वो सरफेस कैसे दिखाई देगी अपने को, सरफेस दिखाई देगी सिलेंड्रिकल शेप में, कैसे दिखाई देगी, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस जो कि है ना ये सिलेंड्रिकल शेप में रहेगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अब सिलेंडर इस सिलेंडर गॉसियन सरफेस पे मेरे पास है ना, देखो अब मुझे है ना क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है गॉस लॉ की हेल्प से। मैंने आपको बताया था आपको प्लस निकालना रहेगा, उसके बाद गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। अब देखो आगे चलते हैं, मेरे पास यहाँ पे तीन सरफेस है। देखो एक सरफेस यहाँ पे कंसिडर कर लो, ठीक है, और एक सरफेस यहाँ पर ले लो, ठीक है, और एक सरफेस यहाँ पर ले लो। एक बात सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन इधर इधर ही फैलेगी, वहाँ नहीं जाएगी। अगर मैं ना क्या कंसिडर कर, और ये सरफेस वेक्टर है, ठीक है, ऐसा है सरफेस, ठीक है, गोल गोल, तो सरफेस का जो डीएस, जो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, ये पूरा सरफेस एरिया कितना है, कैपिटल एस लिया है, तो उसके अलग अलग पार्ट का अलग अलग नाम कंसिडर कर लेते हैं। तो इस पार्ट का नाम कंसिडर कर लेते हैं डीएस, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी, तो डीएस वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे एक्सपांड हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखे एक सर्फेस ये भी है, तो यहाँ पे जो डीएस वेक्टर है, तो DS1 नाम दे दो, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू द सर्फेस ऐसे हो गई। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे पता है ऐसे ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे ऐसे रहेगी, क्योंकि ये वायर रखा हुआ था, ठीक है, और इस वायर के ऐसे एक्सपांड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऊपर तो रहेगी नहीं, समझ में आ रही बात। तो वैसे ही नीचे वाला कंसेप्ट भी ले लेते हैं, तो नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास है ना जो वेक्टर रहेगा वो क्या ले लेते हैं, DS2 वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ये रहेगी। तो एंगल कितना रहेगा यहाँ पर, 90 डिग्री, कितना एंगल हो गया इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री, यहाँ पे भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, समझे। अब देखो अब मुझे क्या करना है, फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालना है। तो देखो फ्लक्स के लिए मैंने बताया था DΦe = यहाँ पे क्या होगा, E·(dS1·) प्लस E·(dS·) प्लस E·(dS2·), ठीक है, अब ये बात समझ में आई। अब देखो चलो आगे चलते हैं, DΦe = EdS, ये देखो यहाँ पे S1 के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, तो DS1 cos 90 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या होगा, EdS cos 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, EdS2 cos 90 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है, मैंने वही लिखा है, क्योंकि E और DS1 के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, DS2 और E के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ पे ये लिख दिया। तो मेरे पास पता है यहाँ पे इसके कारण तो प्लस तो कितना आएगा, 0 आएगा, इसके बाद इसका मतलब ये है मेरे पास ऑलरेडी प्लस केवल E dS cos 0 कितना हो गया, 1 आया, तो ये मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना सिंस cos 90 0 cos 0 1, तो यहाँ पे अपने पास क्या मिलेगा, ओनली EdS। इसको एक क्वेश्चन नंबर, इसको अपन क्या कर लेते हैं, देखो कंप्लीट कंप्लीट फ्लक्स चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर कंप्लीट सरफेस एरिया, फॉर कंप्लीट सरफेस एरिया, कंप्लीट सरफेस एरिया के लिए मेरे पास है ना इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो DΦe = EdS, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, φe बचेगा केवल, e को बाहर निकाल लो, किसका इंटीग्रेशन होने वाला है, ओनली डीएस पार्ट का, तो मुझे इंटीग्रेशन और डीएस पार्ट का मतलब टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया कैसा आएगा यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ये क्या है, एक वायर है, ये क्या है, वायर है, वायर के चारों तरफ सरफेस कैसी बन गई थी, सिलेंड्रिकल। तो इसकी लेंथ अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी एल है, अगर मैं इस सिलेंड्रिकल ये वायर की जो लेंथ है एल है, तो उसका ऊपर वाला सरफेस एरिया इमेजिनरी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो इमेजिनरी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो वो होता है 2πRh, बट 2πR यानी डिस्टेंस यहाँ से लेके आते हैं, डिस्टेंस कितनी ले ली R, और लेंथ कितनी है L, तो हाइट हो गई L, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ नेक्स्ट थिंग वेरी इंटरेस्टिंग,
कि देखो यहाँ पे क्या फिर से बात कर रहे हैं, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे, टू। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या क्लियर हुआ, ई इंटू टू पाई आर एल इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मेरे पास ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू बाय टू पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्यू बाय एल इक्वल टू कितना होता है, क्या पढ़ा था, आज ही पढ़ा है ना, आज ही पढ़ाया ना मैंने, तो क्यू बाय एल इक्वल टू होता है लेमडा, ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो 1D के लिए प्रूव होगा, तो लेमडा अपॉन टू पाए आर एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गई बात। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, क्लियर है, ठीक है, ये आपको करना, बहुत अच्छे एप्लीकेशन है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट देता हूँ मैं आपको, हाँ एक न्यूमेरिकल लिखिए आप लोग। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, 9 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.02 मीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके ये करके रखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।